हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें आईपीओस की और देखेंगे आज है 12 जुलाई 2023 और सभी आईपीओ के अंदर क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। बात करेंगे ड्रोन डेस्टिनेशन आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में और काका इंडस्ट्रीज आईपीओ का आज आखिरी दिन है, ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन चल रहा है और ज़बरदस्त इसके अंदर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है। और साथ साथ में बात करेंगे आहा सोलार टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कि ये आईपीओ भी कंटिन्यू चल रहा है, फिलहाल इसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक्सलेट बीएस इंडिया लिमिटेड ये आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया। ये सभी आईपीओ का अच्छी तरह रिव्यू करेंगे कि आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है सभी आईपीओ में। और साथ साथ में एक आईपीओ आज के दिन करीब करीब 1 लाख से 1 लाख 6 हज़ार तक का हमको प्रॉफिट देखने को मिले। सारी बातें सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बड़ाइंग दबाना। चलो देख लेते हैं आज के ग्रे मार्केट। बात करें काका इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में, फिलहाल देखा जाए तो इसका स्टेटस क्या चल रहा है और लाइव मार्केट में आज का ग्रे मार्केट क्या प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है वो देखेंगे, क्योंकि इस आईपीओ का आज के दिन में आखिरी दिन है। बात करें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल का तो अभी तक इसके अंदर करीब करीब 6 टाइम फुली ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है। आज आखिरी दिन है, 12 बजे के बाद क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल देखना रहेगा तो उम्मीद की जा रही करीब करीब 100 टाइम सब्सक्रिप्शन आ सकता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल का और 24 करोड़ तक का अमाउंट इसके अंदर आ चुका है। बात करेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर, कल करीब 71 टाइम्स आया है और अमाउंट करीब करीब 215 करोड़ तक का अमाउंट भी इसमें लग चुका है। बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स की, सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है इस आईपीओ के अंदर तो रिटेल है। सबसे ज़्यादा रिटेल देखा जाए 151 टाइम आज थर्ड डे के दिन सब्सक्रिप्शन आना स्टार्ट हो चुका है और 1063 करोड़ तक का अमाउंट भी लग चुका है। अगर टोटल सब्सक्रिप्शन देखा है तो 92 टाइम सब्सक्रिप्शन हो चुका है, 1302 करोड़ तक का इसके अंदर अमाउंट लग चुका है। ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन चालू हुआ। अगर इस आईपीओ के डे बाय डे बात करते हैं तो फर्स्ट डे 20 टाइम्स देखने को मिला, सेकंड डे 80 टाइम देखने को मिला और आज 92 टाइम्स का आखिरी दिन है। 92 टाइम्स तक सब्सक्रिप्शन आ चुका है और सुबह के करीब करीब 10:30 बज चुके हैं। फिलहाल चलो देख लेते हैं आईपीओ क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दो। करें काका इंडस्ट्रीज़ के आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो आज की डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। आज 12 जुलाई 2023 और ऐसा आखिरी दिन है और करीब करीब देखा जाए तो सुबह के 10:30 बज रहे हैं और 86% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम चढ़ चुका है। ज़बरदस्त ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, हाईएस्ट देखा है तो 90% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम चढ़ चुका था। आज सब्सक्रिप्शन की उम्मीद बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज इसका आखिरी दिन है और QIB इसका भी दिन है और उम्मीद की जा रही है कि ये इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 100% तक का चढ़ सकता है। फिलहाल देखते हैं, जैसा भी रुझान रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उसके माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन करके काका इंडस्ट्रीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करो और ड्रोन के अंदर पार्टिसिपेट करो जो अच्छा पैसा बना के दे सकता है। बात कर रहे हैं ड्रोन डेस्टिनेशन आईपीओ के लाइव सब्सक्रिप्शन के बारे में, लाइव स्टेटस क्या चल रहा है वो देख लेते हैं क्योंकि आज इस आईपीओ का थर्ड डे है, कल इस आईपीओ का आखिरी दिन रहेगा। बात करें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल का तो करीब करीब 6 टाइम सब्सक्रिप्शन आ चुका है और 51 करोड़ तक का अमाउंट लग चुका है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स देखा जाए तो 40 टाइम इसके अंदर सब्सक्रिप्शन कर चुके हैं और करीब करीब अमाउंट 250 करोड़ तक का आ चुका है और रिटेल इन्वेस्टर भी इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और करीब करीब 110 टाइम सब्सक्रिप्शन आ चुका है। यानी कह सकते हैं इसके अंदर 110 में से किसी एक को मिलेगा अभी तक जो सब्सक्रिप्शन आया है और अमाउंट 1580 करोड़ तक का इसके अंदर अमाउंट भी आ चुका है। सबसे ज़्यादा रिटेल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टोटल सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो 66 टाइम तक सब्सक्रिप्शन आ चुका है, 1800 करोड़ तक का इसके अंदर अमाउंट लग चुका है। चलो आईपीओ के आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम वो देख लेते हैं। उससे पहले देख लेंगे इसका डे बाय डे देखते हैं तो फर्स्ट डे इसका 9 टाइम आया, सेकंड डे 32 टाइम आया और थर्ड डे 61 टाइम आया। आज इसका चौथा दिन है और 66 टाइम तक सब्सक्रिप्शन आ चुका है, सब्सक्रिप्शन चालू है, कल इस आईपीओ का आखिरी दिन रहेगा। चलो आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। ड्रोन डेस्टिनेशन आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। आज है 12 जुलाई 2023 और देखा जाए तो आज 76% तक का इसके अंदर कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला। कल देखा जाए तो करीब करीब 80% चढ़ चुका था और हाईएस्ट देखा जाए तो इसका प्रीमियम करीब करीब 86% तक का चला गया था। जब ये आईपीओ आया था तो करीब करीब ये 60 से 61% तक से ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते 86 चला गया। आज इस आईपीओ का सेकंड लास्ट डे है, कल आखिरी दिन रहेगा तो उम्मीद की जा रही है दोबारा हमको ये 86 से 90% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिले। फिलहाल जैसा भी रुझान रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। करें एक्सेलरेट बीएस इंडिया लिमिटेड आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, लाइव स्टेटस देख लेते हैं क्योंकि ये आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया। फिलहाल देखते हैं इसके अंदर जो सब्सक्रिप्शन आया वो देख लेते हैं। अदर्स यानी HNI इसके अंदर करीब करीब 39 टाइम्स इसके अंदर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, अमाउंट 100
5 करोड़ तक का इसके अंदर अमाउंट देखने को मिला, ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन आया और रिटेल इन्वेस्टर्स करीब करीब इसके अंदर 59 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और अमाउंट भी 159 करोड़ तक का इसके अंदर अमाउंट भी आता वो देखने को मिला। टोटल सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो करीब 49-50 टाइम तक इसके अंदर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन आया, छोटा सी IPO था और 264-265 करोड़ तक का इसके अंदर अमाउंट भी देखने को मिला। और बात करेंगे IPO के डे बाई डे के बारे में तो फर्स्ट डे देखा जाए 2 टाइम आया, सेकंड डे 4 टाइम आया और थर्ड डे इसके अंदर 10 से 11 टाइम को सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। आखिरी कल इसका आखिरी दिन था, ये IPO क्लोज हो गया और 49 टाइम इसके अंदर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। चलो IPO क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं, उससे पहले कहूँगा चैनल लाइक कर दो साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। एक्सेलरेटेड BS इंडिया लिमिटेड IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में तो आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं, क्योंकि आज है 12 जुलाई 2023 और आज इसके अंदर हमको 13% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला। कल इसके अंदर इतना खास रुझान दिखा नहीं जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा गिरावट देखने को मिली और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी हमको थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली। तो ये करीब करीब 12% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका गिर चुका है, जब चल रहा था ये IPO आया था ये 22% तक का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कंटिन्यू चल रहा था, स्टेट था, लेकिन कल IPO क्लोज हुआ और कल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ा गिरावट देखने को मिली। आज इसके अंदर 12-13% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल चल रहा है, जैसे रुझान रहा है देखते हैं, वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर करें। हाँ, सोलार टेक्नोलॉजीज IPO के बारे में देखा है तो ये IPO के अंदर क्या सब्सक्रिप्शन आया, लाइव स्टेटस क्या चल रहा है वो देख लेते हैं आज के डेट में, क्योंकि ये IPO फिलहाल अभी चल रहा है और क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी देखेंगे। बात करेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में तो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के अंदर अभी तक इसके अंदर जो सब्सक्रिप्शन आया हुआ है करीब करीब 2-3 टाइम इसके अंदर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और अमाउंट करीब करीब 12-13 करोड़ तक का इसके अंदर हमको अमाउंट भी आता हुआ दिखा देखने को मिला। बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स के, हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेट करें और 13 टाइम इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आया, अमाउंट 80-81 करोड़ तक का इसके अंदर अमाउंट है। अगर टोटल सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो 7-8 टाइम तक सब्सक्रिप्शन आया और ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और अमाउंट भी अभी तक इसके अंदर 92-94 करोड़ तक का अमाउंट भी आ चुका है। अगर डे बाई डे बात करते हैं तो फर्स्ट डे इसके अंदर स्टार्ट हुआ था 10 तारीख को 2 टाइम तक इसके अंदर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और सेकंड डे इसके अंदर 7 टाइम देखने को मिला। आज इसका थर्ड डे स्टार्ट है और देखा जाए तो करीब करीब इसके अंदर अभी तक 7-8 टाइम तक सब्सक्रिप्शन आ चुका है। चलो IPO क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम वो देख लेते हैं, उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते हैं। आहा सोलार टेक्नोलॉजीज IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में तो आज के डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। आज है 12 जुलाई 2023 और आज के डेट में करीब करीब 20% तक का इसके अंदर हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहा है। फिलहाल जब ये IPO स्टार्ट हुआ था करीब करीब 5% पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ था और 5% से चढ़ के 25% तक का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चढ़ चुका था, लेकिन जिस तरह का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए उस तरह का देखने को नहीं मिला तो उसके बाद थोड़ा इसके अंदर हमको गिरावट देखने को मिली कल के दिन में और कल करीब 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 ये 19% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम गिर चुका था और आज देखा जाए थोड़ा बहुत हमको उछाल देखने को मिल रहा है, 19-20% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल चढ़ चुका है। फिलहाल देखते हैं अभी सब्सक्रिप्शन चालू है, जैसा भी रुझान रहा है वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलूँ।